हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नई मुंबई कामोठा में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा मीटर रूम गिर गया था और हमने पूरा बना लिया है। इनका कुछ जलने के बाद हमने 24 घंटे में लाइट टेम्पररी बेस पे लाइट जो देने का था वो एक बल एक लाइट का हर घर और दुकान पर ऐसा देना था वो दे दिया था। बाद में पाँचवें दिन में हमने पूरा सबको परमानेंट लाइट दे दिया है, पूरा काम हो गया है, फिटिंग हो गया है। सिस्टम के हिसाब से हमने स्टिकर भी मार दिया है मेन स्विच के सामने, जो स्टिकर है शॉप और फ्लैट के सामने सब स्टिकर मार के क्लियर कर दिया है। हमारा काम ऑलमोस्ट 12 दिन के अंदर 56 फ्लैट था और 24 दुकान था, टोटल 80 यूनिट था। फायर रेल स्टेटस का सिटी मीटर वगैरह पकड़ के अलग, तो ये पूरा हमारा फिटिंग हो गया है। बस बार मेन स्विच और सिस्टम से हमने बना लिया है। पर्टिकुलर एक नया सिस्टम दिया है हमने शॉप के लिए, 200 का एक मेन स्विच अलग से दे दिया, लोड उसका 95 का केबल डाल के अलग कर दिया है। फ्लैट और रेजिडेंट का 200 का एक मेन स्विच अलग दे दिया है। फिर ओनली ये सिटी मीटर लगा है, सिटी मीटर के लिए हमने एक अलग मेन स्विच दे दिया है और फायर का एक मेन स्विच दे दिया है। तो पूरा सिस्टम से कर दिया है, लोड डिवाइडेशन कर दिया है, जिसकी वजह से आगे चल के इसमें फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट ना हो और लोड भी बैलेंस किया है, कोशिश किया है। हर एक जो तीन फेज RYB वो फेज पे लोड इक्वल करने का कोशिश किया है। लोड के हिसाब से हमने वो हिसाब से वायरिंग किया है, तो ऐसा हमारा पूरा वायरिंग है। हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। और लिंक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आपको कोई भी मीटर रूम का काम हो, इंडस्ट्रियल का काम हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।